कैसे हम सब ठीक है। और मैंने सहेली भी हो गया, नमाज भी पढ़ी, बच्चों का लंच भी रेडी कर लिया, बेटी को जगा भी दी, और छोटे वाले को भी जगा दी, उसको कहीं जग उसको स्कूल जाने का। स्कूल जाते थे उसको अच्छा सुबह सुबह रोते नहीं चुप। हाँ फिर मम्मा अभी मेरे स्कूल के लिए चोटी बांध रही हैं। मम्मा बोलिए तुम लोग को रेडी स्कूल भेजूंगी, दूर ज़्यादा दूर दूर रहूँगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी रेस्ट। घर भी क्लीन हो गया, घर क्लीन होने से क्या पानी नहीं है, पता नहीं पानी का क्या प्रॉब्लम है। दीदी भी आकर बर्तन धो के चली गई, थोड़ा स्टॉक में पानी रखी तो उसी से काम कर लिया, अभी बोल के आई नीचे अभी तक पानी नहीं दिए। कैसे नहाऊंगे कैसे कुछ करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत किराए के घर में बहुत मुसीबत है, जब तक अपना घर ना हो ना तब तक वही मुसीबत है। अब देखते वेट करती हूँ पानी के लिए, पानी आएगा तो नहाने जाऊँगी, नमाज पढ़ूंगी। परेशान करके रख दिए, पता नहीं कितना टाइम हो भी गया, वो देर बजने वाला है, अभी तक पानी बोल के आई नीचे से अभी तक पानी भी नहीं दिए। देखिए वेट करती थोड़ा टाइम फिर जाऊंगी नहाने के लिए। हाँ यार अभी हम लोग स्कूल से आ गए हैं और वो रही मम्मा अभी नमाज पढ़ने जा रही हैं, चले गए ट्यूशन। मैं मार्केट से भी आ गई, बहुत बहुत ही गर्मी है, हालत ख़राब हो गया, रोजा रखे नहीं हो पाता ये सब। मार्केट गई थी, मार्केट में फ्रूट्स वगैरह सब ख़त्म हो गया था क्योंकि इफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं बचा था ख़त्म, इसलिए मैं लेकर आई और ये भी लेकर आई। सब्ज़ी में जा सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा नींबू है, मुझे नींबू चाहिए चाहिए क्योंकि बिना नींबू का मेरा गुजारा नहीं है। मॉर्निंग में मेरे को पानी चाहिए, गर्म पानी, उठते में पहले गर्म पानी पीती हूँ नींबू डालकर तभी। और ये फ्रूट्स वगैरह लाई हूँ, ये हो गया मेरा करी पत्ता, आलू प्याज ऐसा कुछ नहीं, बस वही लाई हूँ। अभी जाऊँगी किचन में इफ्तारी बनाने के लिए। हाँ बनाना रखा हुआ है और ग्रेप्स रखा हुआ है, बस यही और कुछ नहीं है। ठेंक और पानी चला दिए, थोड़ा पानी आगे मैं जाती हूँ इफ्तारी के लिए किचन में। आज कुछ इस तरह से इफ्तारी हम लोग का, मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी, टाइम भी नहीं मिला, जो मिला उसी को ऐसा करके खा लिया। पकौड़ा बनाई थी प्याज का, ये फ्रूट सलाद था, पुलाव था और छोले में बना के रखी हुई हूँ, अभी मैं लाऊंगी छोले। इधर बेटी मेरी पी रही है, ये आयन महाशय। इफ्तारी वगैरह हम लोग का हो गया, बेटी यहाँ पढ़ाई करी, स्कूल का होमवर्क करिए ना, स्कूल का होमवर्क कर, ये अपना होमवर्क करके बिस्तर पर लेटा हुआ है। बस पानी अभी तक आया नहीं, पानी का वेट कर रही हूँ, पानी आया तो बाकी सब काम हो जाए। पता नहीं कब तक पानी आएगी। इसमें वो लगता क्या कहाँ गया, कौन सा व्यू वाला तो मांग रही हूँ, वही वाला यहाँ नहीं है। अरे दीदी नहीं आई, दीदी अगर बर्तन धो जाए तो आराम हो जाता है। आज हम लोग कितना हो गया, 19 रमजान। अभी बस अभी ज़्यादा रोज़ा है नहीं, अभी रोज़ा ख़त्म ही होने वाला है, पता ही नहीं चला क्या। 24 को स्टार्ट हुआ था, अभी ख़त्म ही होने वाला है, पता ही नहीं चला रोज़ा। और मतलब जो एक्सपेरिमेंट वगैरह ना नाइन्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है ना, पता नहीं बेटा मुझे नहीं पता, हम बोल रही थी हो सकते मतलब मैंने मेरी बैग में नाइन्थ की दीदी था ना, अभी वो टेंथ पे चली गई है, तो मैंने सोचा कि दीदी तो मतलब जो लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है वो कब से स्टार्ट होता है, तो भी नाइन्थ क्लास से वो स्टार्ट हो जाता है, बायो वगैरह बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में दिखाया जाता है।
और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करती, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आयान क्या करे इंजन, टेक केयर, गुड नाइट।